नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूँ एक बार इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा और जागरूकता और सेवा, ये तीन विषय ऐसे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक माँ बाप होने के नाते आप लोग का फ़र्ज बनता है कि आप अपने बच्चों को कोई अच्छी वजह दें, प्रेरणा दें, और ये सब संभव हो पाता है आपको समय देने से। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनको प्रेरणा दी गई है, आज उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि आजकल बच्चे 10वीं 12वीं बीए करके ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, इन सब चीज़ों से ऊब चुके हैं। तो ये संदेश उन माँ बाप के नाम मैं देना चाहता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करके, कि आप अपने बच्चों को ऐसी वजह दें जिससे उनकी रुचि बनी रहे, कुछ अच्छे कार्यों के प्रति, ऐसी हॉबीज़, ऐसे कार्य उन्हें सौंपे जिससे उनकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़े। इन बच्चों के अंदर अभी कम उम्र में होती है, इनके अंदर छल कपट इतना नहीं होता, इनके अंदर कुछ भी करने के लिए जो जोश भरा हुआ है, जो समय और इनकी ऊर्जा जो कई बार गलत जगह जा रही है अच्छे उद्देश्य को देने से, वो सार्थक होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप सामने देख सकते हैं कि इन बच्चों को मैंने उद्देश्य दिया कि आप अच्छे टॉपिक्स पे बोलिए और अपनी बात को जनता तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि जब आप ये प्रयास करेंगे इस छोटी सी उम्र में, तो लोग आपको सराहेंगे और आपकी वीडियोस, आपकी भावनाएं, आपके विचार हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये तो सिर्फ एक तरीका था, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, आप कई और अन्य तरीके भी आजमा सकते हैं जिससे छोटी सी उम्र में बच्चे व्यस्त रहें, मस्त रहें, और उनको शुरू से ही आदत पड़ जाए कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, अपने विचारों को कैसे हम सामने रखें, और वो अपने मन की भावनाओं को वो एक कला का रूप दे सकें। आज की बच्चों के बीच में हम समस्याएं देखते हैं कि उनके बीच में अकेलापन बढ़ता जा रहा है, और ट्यूशन पढ़ाई और स्कूल आने जाने के बोझ के तले वो दबे जा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो उनका टीवी में जाता है। तो मेरा संदेश ये उन सभी माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को कुछ नया करते देखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप उन्हें वजह दें और उनका सहयोग करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। क्योंकि आत्मविश्वास देना सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। अगर आप किसी को कुछ देना ही चाहते हैं तो आत्मविश्वास दें और समय दें, क्योंकि यही दो चीज़ें किसी के जीवन में भी सबसे कीमती और बहुमूल्य होते हैं। ये बच्चे आपके भरोसे, आपके सहारे इस दुनिया में आए हैं, इनसे बढ़कर आपके लिए कोई दौलत नहीं हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरी भावनाओं को समझेंगे, और ये भी प्रार्थना करना चाहूँगा आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अधिक जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहें। और अगर यदि आप समाज में ऐसे कोई अच्छे कार्य करते हैं या आपके आसपास कोई अच्छे कार्य होते हैं, तो इसी मंच के द्वारा एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे नंबर पर अपनी वीडियोस को भेजें, मैं उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लोड करूंगा, ताकि जिससे अच्छे कार्यों को एक पहचान मिले, सम्मान मिले, और जो भी जहां तक भी ये संदेश जाए, जो भी देखे वो प्रेरित हो। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे कैसे अपना समय दे रहे हैं, आज इनको ऊर्जा और प्रेरणा दी गई है, ये लोग व्यस्त हैं अपने कार्यों में। तो ईश्वर की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। नमस्ते। ये इन बच्चों का काम है, इनको मैंने दिया है, ये बच्चे लिख रहे हैं, और दूसरा बच्चा आप देख सकते हैं, ये भी अपने काम में बिजी हैं। कितनी तसल्ली है इन बच्चों के चेहरे पे। और एक बच्चा और है, आप इनके कार्य को देखिए, अपने पॉइंट्स को लिखते हैं, कितने खुश हैं ये लोग और कितने जोश में हैं। तो ऐसे ही अगर आप भी अपने बच्चों को सहयोग और समय देंगे, तो आधी से ज़्यादा समस्याएँ आपकी दूर हो जाएंगी। करो बच्चों, आप अपना काम करो। आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आप लोगों को पता ही है, और हम लोगों के पास समय होता नहीं, सुबह से शाम तक अपने काम में बिज़ी रहते हैं, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा छूट जाता है। तो निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर समय दें, उन्हें अच्छी आदतों के लिए प्रोत्साहित करें और लगातार प्रोत्साहित करें, और अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है तो उनकी तारीफ़ करें, कि तारीफ़ के अभाव में बच्चे मुरझाए से रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आगे भी तमाम जो वीडियोस मैं आपको भेजूँगा वो भी आपको पसंद आएंगे। जय भारत।
जय हिंद।